अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ आफ्टर सो लॉन्ग। तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं वाइट चिकन ग्रेवी। तो यहाँ हमने चिकन वॉश करके ले लिए थे एंड इसके अंदर हम अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबल स्पून जितना, और फिर 2 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और फिर उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे एज मच एज यू वॉन्ट। लाइक हमने 1 10 वाला जो दही का डब्बा आता है वो हमने ऐड किया एज क्वान्टिटी ऑफ चिकन। चिकन जितना होगा उतना दही भी हम यूज़ करेंगे इसमें। फिर यहाँ पर अब इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे 2 टीस्पून। तो सॉल्ट अपने हिसाब से डालना, बिकॉज जितनी क्वान्टिटी है उस हिसाब से सॉल्ट जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो दही एंड ये जो है वो सारे चिकन पर अच्छे से लग जाए। फिर उसके बाद हमें इसको थोड़ी देर के लिए ये सब होने के बाद उसको रेस्ट पर छोड़ देना है। उसको अच्छे से हम मिक्स करना है इस तरीके से, फिर हमें इसको रेस्ट पर छोड़ना है। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। जब ऑयल डालेंगे और ऑयल जब तक हीट नहीं हो जाता तब तक इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। ऑयल को अच्छी तरीके से हीट करेंगे और फिर जब इसके अंदर टिकल्स आने लगेगी उसके अंदर हम बारीक कटे हुए स्लाइस किए हुए कांदे डाल देंगे। आप अपने हिसाब से लेना, हमने तो एक बड़ा कांदा लिए थे, तो आप अपने हिसाब से लेना एक क्वान्टिटी कुछ। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से ये कलर आने तक हमें इसको पकाना है, भूनना है। उसके बाद हम वाटरमेलन सीड्स एंड मिर्ची डालेंगे। मिर्ची आपको अगर अक्खी डालनी है तो अक्खी, आपको जैसी डालनी है वैसी, क्योंकि ये मसाला पीस ये मसाले को फिर हम ग्राइंड करेंगे। तो इसको भी हमें अच्छे से इसके साथ रोस्ट कर लेना है थोड़ा ऑयल में। फिर यहाँ पर हम इसको भी निकाल लेंगे जिसमें से, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा उसको ग्राइंड कर देंगे। फिर उसके बाद उसको ग्रेवी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने एक कढ़ाई में बटर ले लिया है और उसके अंदर हम थोड़ा ऑयल भी ऐड कर देंगे ताकि दोनों का इक्वल हो क्वांटिटी। और यहाँ पर जब तक बटर मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे फ़िलहाल। तो ये तेल इस स्टेज पर आ जाएगा, फिर हम इसके अंदर जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन रखे थे वो ऐड करेंगे। फिर जो हमने ये जो बना रोस्ट करके रखे थे कांदा और वो, तो उसको हम लोग पीस लेंगे और इस तरीके से इसमें उबाल आने देंगे, तब इसमें हम वो पेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल एंड क्विक रेसिपी है। तो आप सब भी अपने घर पे बनाना, अपने अपनों को खिलाना और हमें कमेंट में रिव्यू देना कि आपके घर पर लोगों को कैसा लगा। और फिर हम इसके अंदर थोड़ा डालेंगे वाइट पेपर पाउडर डाले थे मैंने इसके अंदर, क्योंकि वाइट चिकन ग्रेवी तो सब वाइट जाएगा। फिर थोड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। हमें पानी नहीं रहने देना है, लाइक ज़्यादा पानी हमें अभी ऐड नहीं करना है इसमें, जब तक ये जो पानी है वो चिकन अच्छे से इसमें गल ना जाए और जब तक चिकन ऑब्जर्व ना कर ले उसको, तब तक हमें इसमें और पानी ऐड नहीं करना, नहीं तो ग्रेवी ख़राब हो जाएगी ऑलमोस्ट। उसमें वैसा मज़ा नहीं आएगा जैसा एक वाइट चिकन ग्रेवी में आता है। फिर हम इसके अंदर थोड़ी फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। तो हमारे घर पर तो वाइट चिकन ग्रेवी सबको बहुत अच्छी लगी, तो आप भी अपने घर पर बनाना और हमें कमेंट में रिव्यू देना। और चाहिए तो आप हमारी इंस्टा आईडी पर भी हमें टैग करके रिव्यू दे सकते हैं। तो इंस्टा आईडी है साजिदा पटेल _786। तो वहाँ पर आप हमें रिव्यू दे देना। तो आई होप आपको हमारी वीडियो इतने दिन से पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो इस तरीके से हमें अभी इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने छोड़ देना है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा वाटर ऐड करने के बाद हमें इसको और थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए कुक होने देना है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक रेड पेपर पाउडर। और इसके आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक।
के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमें आपकी दुआ में याद रखना ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो अल्लाह।